महात्मा गांधी का कहना था कि खादी वस्त्र नहीं विचार है। धीरे धीरे उस विचार को आत्मसात करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में भी अब खादी उत्सव शुरू हो गया है। इस प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस उत्सव का उद्घाटन खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने किया। खादी उत्सव प्रदर्शनी का भव्य द्वार बनाया गया है। ये प्रदर्शनी 14 फरवरी तक चलेगी। यहाँ कुल 216 स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले में आप ये भी देख सकेंगे कि खादी के कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। प्रदर्शनी को देखने वालों की भीड़ मेले में देखी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी होने के कारण यहां आपको देश के कोने कोने से आए कलाकारों के हुनर को देखने का मौका मिलेगा। विनय कुमार सक्सेना ने मीडिया को बताया कि 2004 से 2014 तक खादी की ग्रोथ 6% हुई थी। 2015 के बाद अब 28% हो गई है। मैं बताना चाहूँगा कि खादी जिसे महात्मा गांधी जी ने हमें सौगात के रूप में दिया था, वो आज़ादी के बाद बहुत समय तक गुमनामी के अंदरों में थी। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी की रहनुमाई में खादी फिर जबान चल रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2004 से 2014 तक जो खादी की ग्रोथ हुआ करती थी वो मात्र 6% की हुआ करती थी, और अब 2015 के बाद लगभग 28% की। हमारा पिछले साल का जो खादी का जो टर्नओवर है वो 3215 करोड़ रुपये पहुँच गया, और इस साल जो अभी 31 मार्च 2020 में ख़त्म होगा, मुझे यकीन है कि हम 5000 करोड़ तक। जब खादी का सेल बढ़ता है, खादी के प्रति लोगों की भावनाएं जगती हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो देश के लाखों आर्टिजन्स को होता है जो खादी से जुड़े हुए हैं। जब जब खादी का सेल बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा। इन 5 सालों में खादी कमीशन ने 21,60,000 रोजगार क्रिएट किए, वो हमारे तरफ से एक रिकॉर्ड है। आज ये नेशनल खादी कमीशन का जो इनॉग्रेशन किया है, बताना चाहूँगा कि 2011 में इलाहाबाद में नेशनल एग्जीबिशन हुई थी, और 2011 के बाद आज लगभग 9-10 साल के बाद जो है दोबारा नेशनल एग्जीबिशन की जा रही है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, यहाँ पर इस तरीके के प्रदर्शन हमेशा होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आज जो है 10 सालों तक से निगलेक्ट कर दिया गया, लेकिन आज हम दोबारा यहाँ कर रहे हैं। मुझे होप है कि कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए का सेल जो है इस महीने की इस एग्जीबिशन में होगा, और जैसे जैसे सेल बढ़ेगा मैं समझता हूँ कि डिफेंस को सीधा फायदा होगा। यहाँ पर लगभग 214 स्टॉल्स लगे हुए हैं, और देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, चाहे कश्मीर हो, चाहे बिहार हो, साउथ हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, सब जगह से लोग आए हुए हैं। तो एक तरीके से देश का एक समन्वय भी है, जो खादी का धागा पूरे देश को जो है बांधता है, एक जो एक ग्रो के रखता है, उसका एक सुंदर जो है उदाहरण यह नेशनल। सर, नौजवानों को किस तरीके से रोजगार खादी देने की तैयारी मिले, किस तरीके से नौजवानों को इसमें जिससे कि उनको एक रोजगार मिले, एक अपनी आमदनी करने का साधन मिले? देखिए, नौजवानों के लिए खादी कमीशन में बहुत सारी स्कीम है, जिसमें एक प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जिसे PMGP स्कीम कहते हैं, ये फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा 25 लाख रुपए तक का लोन लेके, जिसमें 35% की सब्सिडी होती है, वो अपना एक उद्योग खोल सकता है। और अभी पिछले 1.5 सालों में, मतलब आप समझ लीजिए कि 31 दिसंबर तक लोगों ने PMGP के माध्यम से लगभग 70,000 यूनिट जो है पूरे देश में लगाए हैं। तो लोगों को रोज़गार, जो प्रधानमंत्री का सपना है कि लोग रोज़गार पाने वाले न बने, देने वाले बने, ये स्कीम उन्हीं के लिए। उसके साथ साथ अभी आपने देखा कि कुम्हार जो है वो इलेक्ट्रिक वाटर व्हील्स के ऊपर
अपने बर्तनों को बना रहा है। ये स्कीम भी खादी कमीशन की बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसके माध्यम से भी हम लोगों ने पिछले साल लगभग 45,000 लोगों को रोज़गार दिया है। अभी तक आपने देखा होगा कि कुम्हार बड़ी मेहनत से पत्थर की चाक पर जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, और ये कम्युनिटी एक तरीके से देश में पिछड़ती चली जा रही थी। लेकिन अब भारत सरकार ने निर्णय लिया पिछले साल कि हम इस कम्युनिटी को मुख्यधारा से जोड़ेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना बनाई, और उसके माध्यम से पिछले साल करीब 11,000 इलेक्ट्रिक वाटर व्हील्स प्लस के साथ साथ और भी जो मशीनें थी वो दी गई। इससे उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, मैं समझता हूँ कि अगर आप उन्हीं से बात करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। एक कुम्हार की आय अगर 3,000 रुपये महीने हुआ करती थी, वो आज 8,000 से 9,000 रुपये महीने हो गया। सर, ये जो प्रधानमंत्री वाले जो लोन सेंक्शन किए गए खादी के, ये लोग बहुत से नौजवान और बहुत सी महिलाएं बैंकों तक दौड़ दौड़ के थक गई, और बैंक वाले आज तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ दौड़ाते रहे। आज तक लोन सेंक्शन होने के बाद भी लोगों को ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं आपसे जो है बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं आपकी बात का। ऐसी घटनाएं हुई हैं और उसको ध्यान में रखकर बैंकों के साथ लगातार मीटिंग की जा रही है। अभी पिछले महीने ही बैंक्स के जितने भी चेयरमैन हैं उनके साथ मीटिंग की गई है कि इस समस्या को हल किया जाए। लेकिन ये समस्या है, मैं मानता हूँ इस बात को, और इसको सॉल्व करने के पूरे प्रयास किए।